अपहरण का मामला था। कल 5 बजे लगभग यहाँ पर सूचना प्राप्त हुई थी कोतवाली थाना में कि एक उच्च न्यायालय में अधिवक्ता है कुणाल त्रिपाठी, केशव कुणाल त्रिपाठी, जो कि मूल रूप से खुशरूपुर के रहने वाले हैं और ये यहाँ पे हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। तो इनके घर वालों ने सूचना दी कोतवाली थाना में कि हाई कोर्ट में किसी मैटर में आए थे लेकिन उसके बाद घर नहीं पहुँचे, और उसके बाद उन्हीं के फ़ोन से, जो अधिवक्ता हैं उन्हीं के फ़ोन के माध्यम से उनको वीडियोस भेज के और मैसेजेस करते हुए कि जो अधिवक्ता है हमारे गिरफ्त में है, उनका फ़ोटोज़ और वीडियोस भेजते हुए हमसे पैसा मांगा जा रहा है कि 5 लाख रुपये आप हम लोगों को दीजिए, उसके बाद हम लोग इनको जो किडनैप किया गया है इनको छोड़ेंगे। तुरंत 5 लाख का पहले डिमांड हुआ था, उसके बाद कम करते करते 2,70,000 की डिमांड पर पे मुक आए थे। जैसे ही यहाँ पर थाना में सूचना प्राप्त हुई इमीजिएटली हम लोगों ने एफ आई आर किया और फिर हम लोगों ने एक टीम का गठन किया जिसमें SP सिटी सेंट्रल, SDPO लॉ एंड ऑर्डर और थानाध्यक्ष कोतवाली संजीत कुमार को शामिल किया गया, और इसके अलावा जो SIU की हमारी टीम है उसको और CCTV की टीम जो हमारी है उसको इसमें इंक्लूड किया गया। तो जब हम लोगों ने CCTV वगैरह चेक किया तो पता चला कि राजेंद्र नगर टर्मिनल की तरफ इनका क्लू हम लोगों को मिल रहा है, और जिस फ़ोन से, क्योंकि उसी के फ़ोन से ही ये लोग इनसे बात कर रहे थे, घर वालों से बात कर रहे थे, तो टावर लोकेशन के हिसाब से और तकनीकी अनुसंधान के हिसाब से पता चला कि लोग देसी की तरफ गए। CCTV से भी पता चला कि जिस बुलेरो से इनको लेकर गए थे वो गांधी सेतु को पार की है। तो लगातार हम लोग इनका लोकेशन ले रहे थे, CCTV फुटेज एग्जामिन कर रहे थे, और उसी के बीच में पता चला कि इनका जो लास्ट लोकेशन है देसी थाना क्षेत्र जिला वैशाली में आया है। तो हम देसी थाना क्षेत्र जिला वैशाली अफरौल गाँव के करीब में वो था, तो हम लोगों की 2 टीम्स थी, हम लोगों ने वहाँ पे तुरंत उनको भेजा, और इसी में हम लोगों के पास STF का भी टीम था, STF की टीम ने भी हमारी मदद की, और वहाँ पे जहाँ पे इनका टावर लोकेशन आ रहा था और लास्ट फोटोग्राफ पे पता चला कि कोई जहाँ पे इसको बांध कर रखा गया है वो एक मुर्गी फार्म है, तो वहाँ पर स्थानीय थाना अध्यक्ष जो देसी के हैं और जंदाहा के हैं उनके माध्यम से वहाँ पर उस एरिया में जितने भी मुर्गी फार्म थे उनको चिन्हित करवाया गया। तो टोटल 3 मुर्गी फार्म चिन्हित हुए जिसमें सभी के ऊपर 3 टीम्स बना के रेड किया गया। तो बाड़ा गांव के स्थित एक मुर्गी फार्म था जिसमें जो अपहरत है और जो चारों अपहरण करता है उनको सकुशल, अपहरत को सकुशल बरामद किया गया और चारों अपहरणकर्ताओं को वहां से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के बाद जब इनका विस्तृत पूछताछ किया गया तो पता चला कि जो अपहरत है केशव कुणाल त्रिपाठी, ये अधिवक्ता है, यहाँ पर हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, ये जो मेन अपहरण करता है चंदन कुमार औरंगाबाद का रहने वाला है और चंदन सीमांचल सिक्योरिटी नाम की एक निजी सुरक्षा एजेंसी में वो काम करता है। तो ये सुरक्षा एजेंसी अलग अलग जगह पे पोस्टर लगाती थी और विज्ञापन देती थी कि आप लोगों को हम लोग नौकरी लगवाएंगे, तो जो भी नौकरी लेना चाहते हैं आप हमारे साथ संपर्क करें, हम आप लोगों को विभिन्न एजेंसियों में नौकरी लगवाएंगे। इसी विज्ञापन को देखकर जो अपहरत है कुछ त्रिपाठी जो अधिवक्ता हैं उन्होंने इनको संपर्क किया, चंदन को संपर्क किया और अपने आप को हाई कोर्ट के जज के रूप में अपना नाम बताया कि मैं राजा, मेरा नाम है और मैं हाई कोर्ट में जस्टिस हूँ, हाई कोर्ट में जज हूँ, हम लोगों को माननीय उच्च न्यायालय पटना की सुरक्षा हेतु गार्ड्स की आवश्यकता है, इसलिए आप लोगों से एप्लीकेशन लीजिए, उनको हम लोग गार्ड के रूप में यहाँ पर अपॉइंटमेंट लेटर देंगे, शुरू में ये अनुबंध के रूप में होगा और उसके बाद इनको रेगुलर रूप से हम लोग हाईकोर्ट की सुरक्षा में लगा देंगे। तो चंदन ने इसी क्रम में अपना जो साथी है रोहित और अन्य लोगों से, लड़कों से संपर्क करवाना शुरू किया व्हाट्सएप ग्रुप्स के माध्यम से, और जो भी लड़के इनके साथ संपर्क में थे तो बहुत से लड़कों ने इनको हाईकोर्ट में सुरक्षा में नौकरी लगाने के नाम से पैसे दे दिए। ये बात 2020 से ही शुरू हुई थी, अब 2 साल हो गए, तो इसके बीच में जब उनकी नौकरी नहीं लगी लड़कों की, उसमें फिर एक लड़का है सचिन नाम का लड़का है जो कि सीतामढ़ी का रहने वाला है, सबसे पहले उसने अप्रोच किया कि 2 साल हो गए हैं, पहले बोलते रहे कि कोविड के कारण नौकरी नहीं लग रहा है, तो उसने पैसा मांगना शुरू किया। इसके बाद अन्य लड़कों ने भी जिनको पैसा दिया था वो मांगना शुरू किया, तो जब ये पैसा वापस नहीं दे रहे थे तो इन लोगों ने इसको दोबारा संपर्क किया। तब तक ये नहीं जान रहे थे कि ये वकील है, हमेशा हाईकोर्ट का जज ही अपने आप को बताता था। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।